करनाल के पंडित चिरंजीलाल राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 14 के विद्यार्थी व एनसीसी एयर विंग के कैडेट हरविंदर का राष्ट्रीय स्तरीय गणतंत्र दिवस परेड व कैंप में भाग लेकर वापस लौटा। इस दौरान महाविद्यालय लौटने पर प्राचार्य डॉक्टर रेखा शर्मा व असिस्टेंट प्रोफेसर एएनओ फ्लाइंग ऑफिसर सुरेश कुमार दुग्गल व आर्मी विंग एएनओ लिफ्टिंग प्रवीण कौशिक द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। फ्लाइंग ऑफिसर सुरेश दुग्गल ने बताया कि कैडेट हरविंदर सितंबर 2019 से ही लगातार गणतंत्र दिवस कैंप की तैयारी के लिए आयोजित कैंपों सीएटीसी, डिकेट, ग्रुप डिकेट, आईजीसी, पीआरडी आदि कैंपों जो कि कनिपला, अंबाला, एनसीसी अकादमी रोपड़ में बेहतर प्रदर्शन करते हुए गणतंत्र दिवस कैंप दिल्ली तक पहुंचा। इस मौके पर कैडेट हरविंदर ने बताया कि उसने 26 जनवरी को राजपथ पर हुई भारतीय गौरवशाली गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। वो बेस्ट डायरेक्टेड इन इंडिया बैनर जीतने वाली टीम का हिस्सा बना और कैंप के दौरान उसे माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व डायरेक्टर जनरल एनसीसी एयर चीफ मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मिलने का मौका मिला। उसने बताया कि भविष्य में मेरा सपना है कि वह आगे चलकर भारतीय सेना में अफसर बनकर देश का नाम रोशन करे। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। अच्छा रहा वहाँ चलने में जो खुशी होती है ना, जो 26 जनवरी वैसे वहाँ दो दिन की होती है, एक 28 जनवरी को भी होती है, पर जो 26 जनवरी को चलती है उसका कुछ अलग से इफेक्ट होता है उस चीज़ का। मतलब सभी अगर ऑल इंडिया में जानते हैं तो 26 जनवरी के दिन नहीं जानते बच्चे कि 26 जनवरी के दिन चलते, तो उसमें मेन पार्टिसिपेशन करना बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम आपका? हरविंदर सिंह। कौन कौन से अवार्ड? हमको वहाँ एक डायरेक्टरेट की तरफ से मिले हैं, पंजाब डायरेक्टरेट की तरफ से, और गवर्नर की तरफ से मिले हैं कुछ, वहाँ हमको दिल्ली की तरफ से मिले हैं, DGNCC की तरफ से। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय पहले हम जैसे अब की बार वैसे मैम ने हमको बोला कि हाँ बेटा जाओ, मैम ने थोड़ा हमको जाने की परमिशन भी दी, और उसके बाद हमारे सुरेश कुमार दुग्गल सर एनओ उन्होंने भी हमको बहुत ही अच्छे से यहाँ सिखा के भेजा था, तो इससे मैं अपना अधिकार लगा कर कि एक तरह से ये उनके लिए एग्जाम्पल है। अगर एक भी बच्चा कुछ बहुत बढ़िया करता है तो बाकी सारे बच्चों के लिए वो एक उदाहरण बन जाता है, तो उसकी देखा इनकी देखा देखी और बच्चे भी प्रयास करेंगे, एक उनको मोटिवेशन मिलता है कि हमको भी इनकी तरह से बनना है। मुझे ध्यान है कि इस महाविद्यालय में लगभग हर साल, बीच में कोई एक आध साल अगर नहीं हुआ होगा तो नहीं हुआ होगा, नीति आरडी परेड में यहाँ से हर साल बच्चे जाते रहे हैं, और ये जो एक एग्जाम्पल सेट हुआ है ये मुझे लगता है ये निरंतर बना रहेगा। ये गया है और बच्चे जाएंगे, फिर और बच्चे जाएंगे, जब बीच में कोई कड़ी टूट जाती है तो मुझे लगता है कि दिक्कत हो जाती है, और बच्चे बच्चों से ही सीखते हैं और उदाहरण के द्वारा ही सीखते हैं। इसके बारे में मुझे बहुत खुशी है और मुझे इन बच्चों के ऊपर गर्व है कि आरडी परेड में ये इतनी शानदार पुरस्कार लेकर आए हैं, और इन्होंने महामहिम जी से भी जो अवार्ड है वो हासिल किया है, और इनको कैश प्राइज भी मिला है। ये तो बच्चे बताएंगे कि शानदार अमाउंट का ये क्या करेंगे, किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि जितना खुशी माँ बाप को होती है उतनी ही खुशी टीचर्स को और कॉलेज के जो प्राचार्य है उसको भी होती है, और मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि इसी तरह की उपलब्धियां ये लेते रहें, और मेरी दिली इच्छा है कि ये बच्चे आर्मी में जरूर जाएं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।